भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लेने वाले सेनानी में तात्या टोपे का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरम येवेलकर था, लेकिन सब इनको प्यार से तात्या ही कहते थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1857 की क्रांति में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानायक थे। भारत को आजादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब पेशवा, राव साहिब जैसे वीर लोग इस दुनिया से विदा लेकर चल गए थे, तब वह लगभग एक साल तक अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करते रहे। तात्या टोपे जी का जन्म सन 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येलवा नाम के एक गाँव में हुआ था। इनका जन्म एक पंडित परिवार में हुआ था। ये 8 भाई थे, जिसमें से ये सबसे बड़े थे। इनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के धर्मदाय विभाग के प्रमुख थे। उनकी विद्वता एवं कर्तव्य प्रांगणता देखकर बाजीराव ने उन्हें राज्यसभा में बहुमूल्य नवरत्न से जड़ित टोपी देकर उनका सम्मान किया था। तब से उनका उपनाम टोपे पड़ गया था। इनकी शिक्षा मनुबाई के साथ हुई थी। जब ये बड़े हुए तो पेशवा बाजीराव ने तात्या को अपना मुंशी बना लिया था। तात्या टोपे तेज और साहसी थे। सन 1857 में जब जंग प्रारंभ हुई, तब तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इन्होंने काल्पिक युद्ध में झांसी की रानी की मदद की। नवंबर 1857 में इन्होंने ग्वालियर में विद्रोहियों की एक सेना एकत्रित की और कानपुर जीतने के लिए प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण यह था कि ग्वालियर के एक पूर्व सरदार मान सिंह ने जागीर के लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, जिससे ग्वालियर फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। जब तक तात्या नाना साहेब के साथ थे, वे अंग्रेजों से कभी नहीं हारे। गुरिल्ला युद्ध, जिसे छापामारी युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें छुपकर अचानक से दुश्मन पर प्रहार किया जाता है जब दुश्मन युद्ध के लिए तैयार न हो, और आक्रमणकारी युद्ध के बाद अदृश्य हो जाता है। तात्या टोपे ने विंध्य की खाई से लेकर अरावली पर्वत श्रृंखला तक अंग्रेजों पर गुरिल्ला पद्धति से वार किया था। अंग्रेज तात्या टोपे जी को 2800 मील तक पीछा करने के बाद भी नहीं पकड़ पाए थे। वीर शिवाजी के राज्य में जन्मे तात्या टोपे जी ने उनके गुरिल्ला पद्धति को अपनाते हुए अंग्रेजों का सामना किया था। झांसी पर ब्रिटिश आक्रमण होने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या से सहायता मांगी। तब तात्या ने 15,000 सैनिक की टुकड़ी झांसी भेजी। तात्या ने कानपुर से लेकर वेतवा कूच और कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ये स्थिर हो पाते वो जनरल रोज से हार गई थी और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या की मृत्यु का मुख्य कारण मान सिंह से मिले धोखे की वजह से हुई। राजगद्दी के लालच में मान सिंह ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना दी। 7 अप्रैल 1859 को तात्या गिरफ्तार कर लिया गया और शिवपुरी में उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वीर साहसी तात्या को आज भी उनकी बहादुरी के लिए उन्हें याद किया जाता है। अगर आपको इनका इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप यह वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।